गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी आज हम लोग जा रहे हैं थोड़ा गरियाहाट, मैं और बुल्टी ही जा रही हूँ। अभी होली से पहले वहाँ पे तो बहुत सारा रंग और गुलाल ये सब लेके बैठ गया है सारा स्टॉल्स, तो वही अभी देखने जा रही हूँ कि कैसा है क्या मतलब। हम लोग को थोड़ा थोड़ा गुलाल लेना है, रंग नहीं लेना है, तो अभी इसी के लिए ही जा रही हूँ। देखती हूँ कैसा, मतलब बहुत कलरफुल लगता है, देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए जा रही हूँ। तो ठीक है, मैं भी देखूँगी, हम लोग भी देखेंगे और आप लोग को भी दिखाते हैं कि कैसा है क्या है और कैसा प्राइस है इस साल का। हर साल प्राइस तो बढ़ता ही जाता है, तो ठीक है देखती हूँ। हम लोग ज़्यादा नहीं लेंगे, थोड़ा सा ही लेंगे, घर में पूजा देंगे इसीलिए। तो ठीक है अभी जाती हूँ। एक्चुअली मैं बहुत पहले से रेडी होके, हम लोग दोनों ही बैठे हैं, मैं और बुल्टी। अभी 6:30 बज रहा है, हम लोग निकल रहे हैं, लेकिन रेडी होके बैठे हैं 4 बजे से। बट मैं एक्चुअली एक रील्स शूट कर रही थी, तो उसके लिए लेट हो गया। तो ठीक है अभी चलते हैं। तो अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे पार्लर में, जिस पार्लर से मैं सब कुछ करवाती हूँ वहीं पे ही आई हूँ, क्योंकि बुल्टी बोली कि उसका शादी के लिए तो उसको मतलब आर्टिस्ट चाहिए, मेकअप आर्टिस्ट या फिर सजाने के लिए जो लोग ये करते हैं, तो इसीलिए इस पार्लर में भी बात करने आए हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्राइडल मेकअप भी ये लोग करते हैं। तो ये मैं आ गई हूँ, ये है हेड जोन, यहीं से मैं करवाती हूँ। तो ठीक है अभी अंदर चलते हैं और यहाँ पे पूछते हैं कैसा क्या रेट है और क्या मेकअप और ये सब करवाते हैं। तो थोड़ा अभी से ही बातचीत चालू कर दी है बुल्टी। এইটা হচ্ছে কি দেখো দুটো টাইপ হয়, তুমি নরমালের দিকে যেতে চাইছো ইয়া তুমি অ্যাডভান্সের দিকে যেতে চাইছো। তুমি একটা প্যাক করতে পারো কি যে আমি বিয়ের আগে থেকে হয়তো 4 মাস কি 5 মাস কি 2 মাস আগে থেকে হয়তো আমি স্কিন প্রিপারেশনটা নিতে। লোকা হো গিয়া ইয়া পে বাত করনা, আবি হাম লোক জা রে হ্যায় গরিয়াহাট, জো জো দেখনে কে লিয়ে নিকলে থে আবি ও সব দেখনা হ্যায়। हम लोग अभी गरियाहाट आ गए हैं और यहाँ पे अभी मार्केट के अंदर जा रहे हैं। कुछ अभी बुल्टी शादी का कार्ड देखेगी तो आज ही लगता है सारा शॉपिंग कर लेगी। तो अभी तक हम लोग कुछ होली के लिए कुछ देख ही नहीं पाए। तो ठीक है पहले कार्ड्स देख लेते हैं, उसके बाद मतलब कैसा प्राइस है क्या है ये सब पूछना है, तो पहले ये देख लेते हैं, फिर उसके बाद होली का सामान देखेंगे। ये कुछ ट्रे है जिसमें वो शादी का सामान सजा के देते हैं। कार्ड का दुकान बंद है, आज संडे है तो इसलिए ये दुकान बंद था। तो अभी हम लोग बाहर आ गए हैं मार्केट से, तो जा रहे हैं अभी होली का ही सामान देखने के लिए। सामने में बहुत कुछ है तो मैं दिखाती हूँ जल्दी से बैक कैमरा से। तो यहाँ पे बहुत तरह का पिचकारी मिल रहा है, फिर बहुत कलरफुल भी लग रहा है देखने में, और फिर बहुत कोई बच्चा लोग भी यहाँ पे खरीद रहे हैं, फिर गन जैसा पिचकारी है और डिफरेंट शेप्स में है, बहुत सुंदर लग रहा है सामने से देखने में। फिर ये सब टोपी है जिसमें हेयर बना हुआ है डिफरेंट कलर्स का, और ये कुछ टी शर्ट्स है होली के लिए। अभी भी 2 दिन बाकी है होली में, लेकिन अभी से ही इतना भीड़ हो गया है, सब कोई मार्केटिंग स्टार्ट कर दिया है होली का। बहुत तरह का यहाँ पे पिचकारी मिल रहा है, फिर छोटा छोटा वाटर बलून्स है, फिर ऐसे फेस मास्क है। इस दुकान में बहुत तरह का कलर्स है और ये सब गुलाल है, बहुत सुंदर सुंदर है। और यहाँ पे फिर फ्लोरल भी मिल रहा है, हर्बल वाला भी मिल रहा है, और इस दुकान में है हर्बल जो स्किन पे इफेक्ट नहीं करेगा, इसलिए बच्चा लोग भी ले रहे हैं। और ये सब नॉर्मल कलर्स है, मतलब गुलाल है, और यहाँ पर बोल रहे हैं कि 100 ग्राम्स का 20 रुपीज़ करके। कलर हम लोग लिए हैं ये दोनों, यहाँ पे लाइट थोड़ा अभी कम दिख रहा है तो इसलिए उतना समझ में नहीं आ रहा है, घर जाके फिर दिखा दूँ या फिर यहीं से मैं दिखा देती हूँ। हम लोग लिए हैं वो वाला पिंक और ये वाला कलर मैं ली।
घर से ऑर्डर आया था कुछ वेजिटेबल्स लेने का, तो वो भी ले ले रही है अभी गरियार मार्केट से, फिर घर जाना है। तो हम लोग का हो गया है यहाँ पे जो भी लेना था, यहाँ पे हम लोग रंग भी हाँ तो हम लोग ले लिए हैं, गुलाल भी ले लिए हैं और बुल्टी हर एक कलर मेरे फेस पे अप्लाई करके देख ली है कि कौन सा कलर अच्छा लग रहा है, तो जो अच्छा लग रहा है उसी में से हम लोग लिए हैं दो कलर, वो तो मैं दिखा दी। तो ठीक है अभी हम लोग बस घर ही वापस जा रहे हैं आज, अभी और कुछ खाने का मेरा तो मन नहीं कर रहा है क्योंकि पेट भरा हुआ ही लग रहा है। तो ठीक है अभी पहले घर चलते हैं, घर जाके अगर कुछ करूँगी तो वो दिखा दूँगी, अदरवाइज फिर घर जाके ब्लॉग को एंड करूँगी। तो ठीक है पहले अभी घर चलते हैं उसके बाद मिलते हैं। आके थोड़ा देर मैं रेस्ट कर ली और उसके बाद डिनर भी कर ली हूँ, तो रोटी सब्जी मैं खाई आज डिनर में और उसके बाद और थोड़ा सा मैं रेस्ट कर रही थी और रेस्ट करते एक्चुअली मैं थोड़ा सा ऐसे ही लेटी हुई थी और वीडियो एडिट भी कर रही थी उसके साथ साथ, तो वो थोड़ा सा टायर्ड लग रहा था। तो ठीक है ये सब हो गया, तो आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ और फिर मिलते हैं आपसे। तो आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ, मिलते हैं आपसे फिर अगला ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।